तो नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश सीएचओ में जो 2019-20 में पेपर हुए थे उनका सेट आपके सामने लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और यदि आपने सीएचओ के एग्ज़ाम दिया था और ये पेपर सही आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मैंने यह एक बुक से, एक्सीलेंट बुक से ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ। तो हमें भी शेयर जरूर करें दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, इनमें से ग्लोमेरुल्स या बोमन कैप्सूल या एक्सलेंट लिंगरेंस या लूप ऑफ हिंगल। तो इसमें से आंसर जो होगा दोस्तों अपना कौन सा होगा, ये होगा सी होगा, एक्सलेंट्स लिंगरेंस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज कितना होगा, यदि हाई ग्रेड फीवर है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों। हाई ग्रेड फीवर में 103 फ़ारेनहाइट तक जा सकती है फीवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें से कौन सी है जो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, हाइपोथैलेमिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, भिन्न पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड, भिन्न पल्स रेट इज लेस देन 60%, यदि 60 बीट से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीपनिया, टेकीकार्डिया या टेकीपनिया, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। अगला क्वेश्चन है, डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज, डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज द, यदि ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो गई तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोक्सिया या हाइपोकैपेनिया या हाइपोक्सोइमिया या हाइपरकैपनिया। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जिसमें मिया लगा शब्द लगा रहता है वहाँ पे दोस्तों क्या लगाते हैं अपन, ब्लड से संबंधित रहता है, तो ये अपना हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हाइपोक्सिमिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्रेज इज ऑफ सेवन बोन्स, तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, सर्वाइकल वर्टिब्राई या कार्पल्स या क्रेनियल बोन्स या लंबर वर्टिब्राई, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, सर्वाइकल वर्टिब्राई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी लोब्स लीवर है, 1, 2, 3, 4, हाउ मैनी लोब्स लीवर है, लीवर में कितने लोब रहते हैं दोस्तों, तो इसका क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा, 4 लोब्स। अगला क्वेश्चन है, कॉलर बोन इज नोन एज द क्लेविकल, हेमरस, रेडियस, स्केपुला, तो कॉलर बोन को और दूसरा क्या बोलते हैं, कौन से बोन है, क्लेविकल या फिर स्केपुला या फिर हेमकुलस, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम कॉलर बोन को क्लेविसी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएट विथ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में कौन सी सेल काम में ले जाती है, काम करती है क्लोटिंग फैक्टर में, तो ये होती है अपने दोस्तों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ही होती है दोस्तों जो अपने को खून को जमने में काम करती है, और ये प्लेटलेट्स की कमी दोस्तों डेंगू फीवर में ज़रूर होता है, किसी को डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं, इसका नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज रहता है तो वो रहता है 150 से लेके 1.5 लाख से ऊपर होता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम या ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप स्पाइनल कॉर्ड, ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री, भारत ने पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था कि पोलियो मुक्त हो चुका है, कौन से सन में किया था, 2014 या फिर 2011, क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 2014। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो क्या है दोस्तों ये हमें बताना है, तो क्या है 191, सॉरी दोस्तों ये आएगा अपना डी आएगा 931। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, ए है 64, बी है 69, सी है 72 और डी है 75। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 69। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज ए 55, बी 47, सी 41 और डी 33। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन्फेंट की होगी 33, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन ए ईयर इन ए सब हेल्थ सेंटर एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 4800 एंड बर्थ रेट ऑफ 20। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 90 से 100 या 100 से 110 या 120 से 130 या 140 से 150। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना सी आएगा 120 से 130। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, फिलेरियासिस इज ए पैरासाइटिक डिसीज, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड डिसीज और एजिप्टी मॉस्किटो या फिर डी है टाइफाइड सॉरी दोस्तों इसका आंसर डी है टाइफाइड स्प्रेड थ्रू द कमांडेड फूड एंड वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मलेरिया इज ट्रांसमिटेड डिसीज बाय एजिप्टो मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन गैलिन एम्बुलेंस एंड रीचिंग हॉस्पिटल गिविंग वैक्सीन एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी टेकिंग मेडिसिन एंड गेटिंग इट रिपोर्ट या डी है एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज वायरोलेंस ए डिसीज ऑफ इंटेस्टाइन फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल या डिसीज काजिंग कैपिसिटी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सी ये सब जो डिलीट रहते हैं तो सॉरी उसके लिए बराबर पढ़ नहीं पाता हूँ, काजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म लीवर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, व्हाट इज द वायरोलेंस, इसका आंसर आ जाएगा सी डिसीज काजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन एलर्जी या नॉन ऑफ द एबव।
तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है उसकी एबिलिटी को देखें तो उसका क्या होगा, इन्फेक्टिविटी होगा। अगला क्वेश्चन है, एजेंट होस्ट एंड डॉट डॉट मेक इट ए एपिडेमियोलॉजी, तो इसका क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं CHO में 2019-20 में, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें अब देखते हैं एजेंट और होस्ट, तीसरा जो आता है अपना क्या आता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट आएगा दोस्तों, मेके एपिडेमियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन मींस हेल्थ प्रमोशन स्पेशली प्रोटेक्शन या रिहेबिलाइटेशन या फिर नॉन ऑफ दीज, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज व्हीजिंग साउंड अकरिंग इन ऑल एज ग्रुप या ऑल ऑफ देम, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इज कॉल्ड क्वारंटाइन आइसोलेशन डिस्टेंसन या सेपरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज ए डिसीज इज विज द पेशेंट शो नॉर्मल बिहेवियर फील ड्राउरी एंड स्लीपी इज सीक्रेट स्केर्ड ऑफ वाटर या ड्रिंकिंग ऑफ ए लॉट ऑफ वाटर, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, किससे डरता है, वाटर से। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर वाटर बोर्न डिसीज एक्सेप्ट, इन सभी में से एक बीमारी वाटर से नहीं होती है, वो क्या है, एक को छोड़कर, ऑल ऑफ द वाटर बोर्न डिसीज एक्सेप्ट, एक को छोड़कर वाटर बोर्न डिसीज हैं तो हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, फीवर, डिसेंट्री या ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है आंसर, टाइफाइड भी हो सकती है और हेपेटाइटिस भी वाटर से, डिसेंट्री भी वाटर से हो सकती है, वाटर इन्फेक्टेड वाटर से या फूड से, टाइफाइड भी हो सकता है इन्फेक्टेड वाटर या फूड से, उसके अलावा जो बचता है अपने पास तो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ANC चेकअप आप आर मिनिमम नेसेसरी, हाउ मैनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी, जो एंटीनेटल केयर विजिट होती है वो कम से कम कितनी नेसेसरी कर दी गई है, वो 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, इन सभी में से क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, एक को छोड़ के, एक्लेम्बिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ या प्रीवियस ई सेक्शन और नॉन ऑफ देम, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ANC चेकअप अप टू YM आयरन सुक्रोज इंजेक्शन एडवाइज रेस्ट या फिर फर्स्ट IFA टैब डेली, तो इसमें क्या हो सकता है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया का कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों 1 IFA टैब डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया मींस प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन हाइपरटेंशन प्लस डिसीज हाइपर
टेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, हाइपर टेंशन प्लस ओडीमा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए जरूर। इक्लेम्सिया मीन्स प्री इक्लेम्सिया प्लस कलवंजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज। ए डायबिटिक लेडी कोसीवेज इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड, हाई ब्लड शुगर डिवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हाई ब्लड शुगर डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीनार्ची यूजली अकर एट एज ऑफ द, जो मीनार्ची होती है ब्लीडिंग जो सबसे शुरू में शुरुआत होती है, फर्स्ट टाइम जो होती है लड़की को जो एडल्ट गर्ल हो जाती है जब, तो मीनार्ची यूजली अकर एट द एज ऑफ, कौन सी एज में हो सकता है दोस्तों, 11 से 13 या फिर 15 से 16 या फिर 14 से 16। ये तो होगा नहीं, फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकंड का भी 11 से 13 यही हो सकता है दोस्तों, यही होगा 11 से 13। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ऑफ ए लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 12 जुलाई 2019, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब उसकी डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी दोस्तों, 7 मई 2020 या 22 अप्रैल 2020 या 6 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020। तो इसमें दोस्तों कौन सा आंसर हो सकता है, ये हो जाएगा अपना डी, अप्रैल 19 2020। अगला क्वेश्चन है, मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वूमेन फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी या डेथ ओनली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज कन्वल्सेंस एंड रिकवरी, रिकप्शन या फिर नॉन ऑफ दीज। द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन, बच्चे के 6 महीने बाद, जन्म होने के 6 महीने बाद, इसमें अपन क्या बोलते हैं इसको, तीन में से हम कुछ नहीं बोलेंगे, नॉन ऑफ दीज। व्हाट इज लेबल्ड एज ए सीवियर एनीमिया इन ए प्रेग्नेंट वूमेन। अब प्रेग्नेंट वूमेन में जो सबसे कम एनीमिया बोलेंगे हम कितने को बोलेंगे, लेस देन 7 ग्राम प्रति डेसी लीटर, दोस्तों ये 7 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए चाइल्ड इज सेम इफ एम यू सी इज लेस देन 12.5, लेस देन 11.5 या लेस देन 3.5 या बिटवीन 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों ये होगा लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल एज ऑफ फॉर स्टार्टिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम बच्चों को कब से शुरू करेंगे, ये तो सभी को मालूम है दोस्तों, हम ये शुरू करेंगे
सिक्स मंथ के बाद से। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कास्ड बाई डिफियंसी ऑफ, स्कर्वी जो होती है वो किसकी कमी से होती है, ये होती है अपनी विटामिन सी की कमी से होती है दोस्तों स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूनेटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड तो हम किसको बोलेंगे, जीरो से सात या जीरो से चौदह या तो जीरो से इक्कीस या फिर जीरो से अट्ठाईस डेज। दोस्तों अपनी जो न्यूनेटल डेज होगी कौन सी होगी, इसमें जीरो से अट्ठाईस डे। विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सॉरी, मेनली बाई फीको ओरल रूट है दोस्तों, ये फीको ओरल रूट है, तो इसमें क्या होगा, हेपेटाइटिस बी या डिप्थेरिया या फिर पोलियो या टिटनस, तो इसमें जो होगी तो इसका आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों सी हो जाएगा, पोलियो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए फाइव ईयर ओल्ड हैविंग लूज मोशन हैज एडिक्वेट यूरिन आउटपुट एंड इज प्लेफुल, व्हाट शुड इट डू, गिव ओआरएस टू ड्रिंक, स्टार्ट आईवी फ्लूड, स्टॉप फीडिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, फाइव ईयर ओल्ड है, लूज मोशन हो रहा बच्चे को, तो इंडिकेट यूरिन आउटपुट है और प्ले फूल है, खेल रहा है, तो हम उसको क्या दे देंगे, ओआरएस चालू कर देंगे एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरिया मीन्स लूज स्टूल डॉट डॉट इन वन ए डे, टू मोर टाइम या थ्री मोर टाइम या फिर फोर मोर टाइम या फिर फाइव मोर टाइम। तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, डायरिया मीन्स लूज स्टूल, जो अपना लूज स्टूल होगा जो वन डे में होगा तो वो क्या हो सकता है, लूज स्टूल थ्री आर मोर टाइम्स, हम उसको क्या बोलेंगे, डायरिया होगी तो थ्री आर मोर टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर केएमसी, मदर फादर ग्रैंड मदर और ऑल ऑफ दीज। कंगारू मदर केयर में दोस्तों मदर देती, बट यहाँ पे भी ग्रैंड मदर का बोला गया है, मैंने किताब में पढ़ा था जिसमें ग्रैंड मदर का बताया गया है। ग्रैंड मदर ऑल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट, सभी सत्य हैं, सभी सही हैं डिसेंट्री के लिए, लेकिन एक को छोड़ के, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल इंक्रीज फ्रिक्वेंसी या मोशन टेंसेमस या प्रेजेंस फॉर बॉर्म इन स्टूल। तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, क्या होगा, तो इसका ये होगा डी, प्रेजेंस ऑफ बॉर्म इन स्टूल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर निमोनिया इन चाइल्ड एज 11 मंथ, रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 50 पर मिनट, ओनली एक्सरे कैन कंफर्म चाइल्ड इज ड्राउजी, रिफ्यूजल टू ड्रिंक। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर निमोनिया, सीवियर निमोनिया में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से अपन क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 50, तो इसमें अपन इसका आंसर होगा ओनली एक्सरे कैन बी कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया डायरिया निमोनिया या मेनिनजाइटिस। पीसीबी जो वैक्सीन है दोस्तों ये किसमें अपने को प्रोटेक्ट करेगी, किससे प्रोटेक्ट करेगी, डायरिया से या निमोनिया से या तो टाइफाइड से या फिर मेनिनजाइटिस से।
तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करेगी, निमोनिया से। अगला क्वेश्चन है, मेजल्स शुड नॉट बी यूज इफ हैज बीन मोर देन डॉट 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 आवर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर या 4 आवर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, डॉट में 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा अपना 4 आवर आएगा यहाँ पे दोस्तों फिल्म फ्रेम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डज ऑफ विटामिन ए गिवन अलोंग विथ मेजल्स वैक्सीन इफ फॉर ए चाइल्ड ऑफ 16 मंथ एज 0.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलोंग विथ मेजल्स वैक्सीन फॉर ए चाइल्ड ऑफ 16 मंथ, 16 मंथ दोस्तों मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, तो 1 साल से ऊपर हो गया तो हम कितने लाख के यूनिट देंगे, कमेंट से बताइए प्लीज़ दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन प्रिवेंट कंजेनिटाइल रूबेला सिम्टोम्स, मेजर्स डीपीटी, एमआर या फिर टीटी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एमआर। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवेन इंट्रामस्कुलरी एक्सेप्ट, सभी इंट्रामस्कुलरी देंगे लेकिन एक को छोड़ के, वो कौन सा है, डीपीटी वैक्सीन है या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है या रोटा पेंटा वैलेंट वैक्सीन है या एमआर है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एमआर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द मिनिमम लीगल एज बच्चे की जो मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट के जॉब के लिए, तो कौन सी हो सकती है दोस्तों मिनिमम एज, तो ये हो सकती, ये होगी 14 ईयर्स, 14 साल। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, गर्ल जो प्यूबर्टी यंग हो गई है उसकी फर्स्ट साइन क्या होगी, ब्रेस्ट एंड बट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर या हाइट स्प्रट या एक्जिलरी हेयर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, आईसीटीसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर टेस्टिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज या इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर या फिर एचआईवी एड्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऑफ आर एचआईवी और एड्स। अगला क्वेश्चन है, द काउंसलिंग टिप फॉर एडोलसेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, द काउंसलिंग टिप्स, जो काउंसलिंग टिप्स है जो एडोलसेंट को अपन प्रोवाइड करते हैं उनमें से, इनमें से सिर्फ एक को छोड़ के, मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर या फिर या कीप ए क्लास मैटर इन्फॉर्म या हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, कीप क्लास में इट इन्फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंट मदर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट बेबी मिसकैरेज स्टिल बर्थ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, एडोलसेंट मदर आर एट हाई रिस्क ऑफ
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट एमंग द चॉइस गिविंग कॉपर टी छाया इंसुलिन या कंडोम। डिफर एमंग द चॉइस इसमें अपन क्या डिफर करेंगे व्हाट इज कॉपर टी या छाया या कंडोम या इंसुलिन। तो दोस्तों इसमें अपन इंसुलिन डिफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट मेल स्टरलाइजेशन नॉट ए परमानेंट मेथड फेलियर रेट इज वेरी हाई कैन नॉट बी डन आफ्टर द एज ऑफ 60 नोन एज ए वैसेक्टॉमी। तो इसको किस नाम से जानते हैं नोज ए वैसेक्टॉमी डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अंतरा इन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव प्रोस्टिल ओनली या कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव नॉन ऑफ डीज। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या होगा इन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। अगला क्वेश्चन है वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रेफर टू ऑल वुमन एज 18 से 45 15 से 50 या 21 से 45 या फिर 18 से 40। जो एक वुमन रिप्रोडक्टिव एज रेफर करेंगे तो इसमें से क्या अपन रेफर करेंगे दोस्तों। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू बुक के इसमें आएगा 15 साल से 50 ईयर तक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मेल कंट्रासेप्शन। जो मेल कंट्रासेप्टर होता है उसमें क्या सत्य नहीं है इसमें से वैसेक्टॉमी इफेक्ट परमानेंट मेथड कंडोम प्रिवेंट स्टडी अब्सेंस इज नॉट द मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी एब्सटेंस इज नॉट द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिफिलिस इज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिम्पैटिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाई ए हेलेनमंथ या ए फ्यू फंगस या वायरस या फिर स्पेरोटो। दोस्तों इसमें थोड़ा सॉरी पढ़ नहीं पा रहा था स्पेरो कुट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा यही होगा डी होगा दोस्तों स्पेरो कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस एटलीस्ट 24 to 27 मंथ। तो दोस्तों इसका आंसर जो आना चाहिए आएगा क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ऑर्डर टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट चेक सेंसिटिव ऑफ ड्रग चेक रिएक्टिव ऑफ ड्रग या चेक हाइपरटेंसिव ऑफ ड्रग। दोस्तों इसमें ये होगा रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते डॉट इज ए रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस मींस ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट शेड्यूल डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्वाट कोर्स द स्पॉट दैट अपीयर टू द स्किन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्वाट कोर्स। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के जो शेड्यूल रहेगा उसके लिए पता लगाने के लिए या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्वाट कोर्स
शॉर्ट कोर्स। दोस्तों इसका बी आएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंगू इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ क्लोएक्स मॉस्किटो, एडीज इजिप्सी मॉस्किटो या फीमेल एना लेप्टिक मॉस्किटो या फिर मिटीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डेंगू का जो होगा इसका आंसर होगा एडीज इजिप्टो मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन है ऑल इमंग द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुकवार्म इन इन्फेक्शन एक्सेप्ट। हुकवार्म का जो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन होगा एक छोड़ के तो किसकी वजह से होगा, इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, एसाइटिस या मेनिनजाइटिस। दोस्तों इसमें मेनिनजाइटिस को छोड़ दें। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। विच एमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड, रेनो वायरस, T4 वायरस, MSS वायरस या फिर सीमैन वायरस 40। तो इसका जो बीच एमंग द फॉलोइंग वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड का कारण वाला वायरस होता है दोस्तों रेनो वायरस कहलाएगा, ए आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीवर फॉलोड बाई मैक्लो पॉपुलर रेसिस एंड एनी ऑफ द कफ कोर्जा कंजक्टिवाइटिस, स्मॉल पॉक्स, मेजल्स, टेटनेस या चिकन पॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मेजल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is not true about rabies? Caused by rabies virus, transmitted by bite to rabies animal. Nothing can done be post exposure. दोस्तों ये इसका आंसर ये सी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Symptoms of typhoid include all except, जो टाइफाइड फीवर होता है उसके सिम्टम्स एक को छोड़ के क्या हो सकते हैं, एब्डोमिन पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइटिस और सीजर। तो टाइफाइड में दोस्तों क्या होगा, एब्डोमिन पेन भी होगा, हेडेक भी होगा और उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइटिस भी होगी लेकिन सीजर्स नहीं होंगे, ये इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाई COPD। COPD दोस्तों ये चेस्ट से रिलेटेड है और इसका जो आंसर आएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूरल डिसीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विक डिसीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या नॉन ऑफ दीज। इसमें दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। सॉरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सी आएगा दोस्तों, प्लूरल डिसीज नहीं पल्मोनरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेरिब्रम ब्लड वेसल्स, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कैरोटिड आर्टरी, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, स्ट्रोक जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होगा या तो फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कैरोटिड आर्टरी। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा अपना ए, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू सेरेब्रम ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NPCDS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। दोस्तों इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट बीएमआई। बीएमआई में हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, या वेट इन केजी हाइट अपॉन हाइट इन फीट स्क्वायर, या नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोक इज डिफाइंड एज ब्रेन डैमेज ड्यू टू द रोडसाइड एक्सीडेंट, इनकरप्ट ऑफ ब्लड सप्लाई इन ब्रेन रीडिंग टू डैमेज ब्रेन टिश्यू, या फिर ब्रेन टिश्यू डैमेज ड्यू टू हाई बिलिरुबिन, या नन ऑफ दीज। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू द डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू ये डैमेज होंगे तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, स्ट्रोक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इज नॉट ए नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर, एज, फैमिली हिस्टोरी, ओवरवेट, ऑल तो इसमें आएगा दोस्तों ओवरवेट सी। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर फ्रॉम ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट एक को छोड़ के, गॉइटर, मेंटल रिटार्डेशन, डिफ म्यूटिज्म ऑफ नेक, रेजिडिटी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर इसका आएगा तो नेक रेजिडिटी। अगला क्वेश्चन है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज 500 माइक्रोग्राम, या 100 से 150 माइक्रोग्राम, या 150 से 200 माइक्रोग्राम, या 200 से 250 माइक्रोग्राम। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 100 से 150 माइक्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल ब्लड फैट एंड हाइपरएडीमिया, या फिर करेक्शन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नेशनल लेप्रोसी इरेडिगेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1983। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए वाज लॉन्च इन 2015।